अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीन और आप देख रहे हैं नारवर बर्ड एकेडमी। दोस्तों आज की हम इस वीडियो में कुछ ऐसी गलतियां डिस्कस करेंगे जो हम अक्सर ब्रीडिंग सीजन के बाद और ब्रीडिंग सीजन के से पहले इवन के ब्रीडिंग सीजन के दौरान भी हम गलतियां करते हैं। तो उनमें से जो सबसे पहली गलती है वो है हम अपने सारे बर्ड सेल कर देते हैं। हमारे पास जब भी ब्रीड आना स्टार्ट होती है तो हम अपने सारे बर्ड सेल कर देते हैं। हम अपने केज या कलोनी की नई पेयरिंग के लिए अपने पास बर्ड नहीं रखते। जब हमें पेयरिंग करने की जरूरत होती है तो हमारे पास बर्ड नहीं होते, फिर वही बर्ड जो हमने बिल्कुल मुनासिब कीमत पर सेल किए होते हैं, हमने जिस कीमत पर सेल किए होते हैं उससे डबल कीमत में खरीदने पड़ते हैं। वो इसलिए खरीदने पड़ते हैं, हमें पता होता है कि हमारे बर्ड की क्वालिटी क्या है। तो काइंडली जब भी आपके पास ब्रीड आना शुरू हो तो सारे बर्ड ना सेल किया करें, कुछ बर्ड अपने केज या कॉलोनी की नेक्स्ट ब्रीड की पेयरिंग के लिए भी रख लिया करें। इसमें दूसरी गलती जो हम करते हैं वो ज्यादातर जो नए लोग इस हॉबी में आते हैं वो करते हैं, उनका मार्केटिंग प्लान कोई नहीं होता। कोई भी बिजनेस है उसमें आपको मार्केटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जिनका फेसबुक पर भी कोई अकाउंट नहीं होता। आप अपना फेसबुक पे अकाउंट बनाए, अपने केज या कॉलोनी के नाम से एक फेसबुक पर पेज बनाए और उसमें अपने बर्ड की अच्छी अच्छी पिक्चर्स और वीडियोज शेयर किया करें। इससे आपकी मार्केटिंग बहुत ज्यादा होगी और आपके पास जितनी भी ब्रीड आनी होगी उसकी एडवांस में बुकिंग हो जाएगी, आपके बर्ड इजीली सेल हो जाएंगे। आपको दुकानदारों के पास जाकर ये नहीं कहना पड़ेगा कि भाई हमारे पास बर्ड हैं, हमसे बर्ड ले लो। आपको पता होगा जब हम दुकानदार से बर्ड लेने के लिए जाते हैं तो उनकी रेट और होते हैं और जब हम उनको बर्ड देने के लिए जाते हैं तो वही बर्ड जो वो हमें 800 रुपए में दे रहे होते हैं वही वो हमसे 400 रुपए में खरीदते हैं। तो काइंडली अपनी मार्केटिंग कीजिए और अपने बर्ड को अच्छी कीमत पर सेल कीजिए। इसमें जो हम तीसरी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम अपने बर्ड की डिवार्मिंग नहीं करते। हम में से अक्सर दोस्त ये सोचते हैं कि हमारा दाना बिल्कुल साफ है, हम बर्ड को दाना धो कर देते हैं, हमारा शेड नीट एंड क्लीन है तो हमें डिवार्मिंग की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल गलत है। तो डिवार्मिंग बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे माहौल में डस्ट बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मुमकिन है कि आपके बर्ड के अंदर वार्म्स हों। तो लिहाजा अपने बर्ड को डिवार्मिंग जरूर कराएं। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपने डिवार्मिंग किस मेडिसिन से करवानी है, आप किसी भी मेडिसिन से बर्ड को डिवार्मिंग करवा सकते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि आपने अपने बर्ड को डिवार्मिंग लाजमी करवानी है। इसमें हम जो अगली गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम में से अक्सर लोग अपने केज या कॉलोनी को साफ नहीं करते। जब भी आपका ब्रीडिंग सीजन ऑफ हो आप अपने केज या कॉलोनी की तमाम दीवारों को अच्छी तरह से वॉश करें और उसके बाद सैनिटाइज करें, उसके फर्श को अच्छी तरह से वॉश करें और सैनिटाइज करें, और उसके बाद जब आपका ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला हो तो सेम प्रोसेस यही करें। उसके बाद आपके केज या कॉलोनी में जो स्टिक्स लगी होती हैं उनको उतारें, अच्छी तरह से वॉश करें और सैनिटाइज करके उनको दोबारा लगाएं। इससे ये होगा कि आपके शेड में जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो सारे खत्म होंगे और आपके बर्ड बिल्कुल हेल्थी एंड एक्टिव होंगे। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि हमारे बर्ड्स में माइट्स हैं, तो वो माइट्स इसी वजह से आते हैं कि हमारा केज या कॉलोनी साफ नहीं होता, उसमें गंदगी होती है, तो उसी वजह से जो ये माइट्स और कीड़े वगैरह पैदा होते हैं। तो काइंडली अपने केज और कॉलोनी को साफ सुथरा रखें और अपने बर्ड को माइट्स से बचाएं। इसमें जो अगली गलती हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम अपने बर्ड का रिकॉर्ड नहीं रखते। अगर हमारे पास कोई भी बर्ड है हमें अपने बर्ड का रिकॉर्ड रखना चाहिए। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि उन्होंने बर्ड की लेग्स में रिंग तो डाली हुई है लेकिन उनके पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमें अपने बर्ड का रिकॉर्ड रखने से हमें अपने बर्ड की एज का पता चलता है, अपने बर्ड की क्वालिटी का पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि इस बर्ड की एज क्या है, हम इस बर्ड को ब्रीडिंग के लिए लगाना चाहिए या नहीं, ये ब्रीडिंग लेने के काबिल है नहीं। तो ये ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें अपने बर्ड का रिकॉर्ड रखने से पता चलती हैं। तो लिहाजा काइंडली अपने बर्ड का रिकॉर्ड लाजमी रखा करें। इसमें जो अगली गलती हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम ब्रीड लेने के लिए मौसम को नहीं जज करते, हम मौसम के अकॉर्डिंग नहीं चलते। हमारा मिशन होता है कि जी अगस्त स्टार्ट हो गया तो मटकियां लगा दें। कुछ लोग सितंबर में मटकियां लगाते हैं तो उनका मिशन होता है जी सितंबर स्टार्ट हो गया मटकियां या बॉक्स लगा दें, जबकि ऐसा करना बिल्कुल गलत है क्योंकि जब भी आप ब्रीड के लिए मटकी या बॉक्स लगाएं तो अपने मौसम को चेक करें कि आपका मौसम ब्रीड
एल्टीट्यूड लेने के काबिल है कि नहीं, टेम्परेचर ज्यादा या कम तो नहीं है, ह्यूमिडिटी लेवल क्या है, आपको क्या ह्यूमिडिटी लेवल चाहिए, जो आपको ह्यूमिडिटी लेवल चाहिए वो उससे ज्यादा या कम है, तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपने बर्ड को ब्रीडिंग के लिए मटकी या बॉक्स दें, क्योंकि ब्रीडिंग में मौसम का बहुत ज्यादा अहम करदार है। तो काइंडली जब भी अपने बर्ड को ब्रीडिंग के लिए मटकी या बॉक्स दें तो वेदर को अच्छी तरह से चेक करें, तभी जाकर अपने बर्ड को ब्रीडिंग के लिए मटकी या बॉक्स दें। इसमें जो अगली गलती करते हैं वो हम अपने बर्ड को ब्रीडिंग के लिए तैयार नहीं करते। हमें अपने बर्ड को ब्रीडिंग के लिए ऐसे तैयार करना होता है कि हमें ब्रीडिंग लेने से पहले अपने बर्ड को कैल्शियम, विटामिन और सॉफ्ट फूड बहुत ज्यादा मकदार में देना पड़ता है, ताकि जब तक हमारा ब्रीडिंग सीजन शुरू हो तब तक हमारे बर्ड ब्रीड के लिए बिल्कुल तैयार हों। अगर आपने सितंबर में अपने बर्ड को मटकी या बॉक्स देना है तो आपको चाहिए कि आप 1 अगस्त से अपने बर्ड को विटामिन, कैल्शियम और सॉफ्ट फूड देना शुरू कर दें। इससे ये होगा कि जब आप अपने बर्ड को मटकी या बॉक्स देंगे तो वो ब्रीड के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। जैसे ही आप उनको मटकी या बॉक्स प्रोवाइड करेंगे तो आपके बर्ड ब्रीड करना शुरू कर देंगे। हम अगली गलती जो करते हैं वो ये करते हैं कि हम ब्रीड के लिए अंडर एज बर्ड लगा देते हैं। ब्रीड के लिए कभी भी अंडर एज बर्ड को ना लगाएं। ब्रीड लेने के लिए हमारे बर्ड की एज ब्रीड के काबिल होनी चाहिए। अगर हम अंडर एज बर्ड लगाते हैं तो उसके हमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाने पड़ते हैं। अगर हम अंडर एज बर्ड लगाएंगे तो उनमें एग फर्टिलिटी बहुत कम होगी, और उनके जो एग्स फर्टाइल होंगे उनमें जो बच्चे निकलेंगे, जो चिक्स आएंगे, वो भी हेल्थ वाइज वीक होंगे, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो नहीं करेंगे। तो काइंडली अपने बर्ड को ब्रीडिंग पर लगाने से पहले उसकी एज देख लें कि उसकी एज ब्रीडिंग के काबिल है कि नहीं। बड़े बड़े ब्रीडर हजरात जो बर्ड की ब्रीड लेने के लिए एज रिकमेंडेड करते हैं वो बजीज के लिए कम अज कम 5 से 6 महीने की एज रिकमेंडेड करते हैं, और लव बर्ड के लिए 10 माह से 1 साल की एज रिकमेंडेड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में लगे बेल के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।